अच्छा, ये जो टॉपिक है इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका मतलब ये होता है कि आप कब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कब आपके से ख़त्म हो जाती हैं और कब आप उससे फ्री हो जाते हैं और आप पे कोई बार फ्रॉम बाय द कोर्ट फ्लॉ नहीं रहता या आपको कोई इस किस्म की अप्रिहेंशन नहीं होती कि कोर्ट आपको पेनलाइज करेगा या आपके केस लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होती और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी जो हैं वो म्यूचुअली जो हैं वो पीसफुली और अग्रीमेंट के साथ और कंसेंसस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस और क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और लॉ भी जिस चीज़ को मानता है मतलब लीगली भी वो ठीक है तो क्या हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इज़ ए लीगल टर्म। देखते हैं कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें एक पार्टी जो है वो फ्री हो फ्रॉम हिज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द लीगल डेफिनेशन वो देख लेते हैं। इट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का मतलब है कि मेरी जो जिम्मेदारी थी जो चीज़ आपको मैंने पहुँचानी थी और उसके बदले मैंने पेमेंट लेनी थी या जो चीज़ आपने मुझसे खरीदनी थी और उसके बदले मुझे पेमेंट देनी थी हम दोनों की जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जो ऑब्लिगेशन हैं और ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई टर्मिनेट हो गई। दैट मीन्स डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज कम टू एन एंड। यानी कि मेरी जो भी जिम्मेदारी थी या मेरा जो भी राइट या ऑब्लिगेशन खत्म हो गई दूसरी पार्टी की भी खत्म हो गई और इस चीज़ को कानून भी मानता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं इसमें छः आपके पास मोड्स हैं जिनमें सबसे पहला जो मोड मोड है तरीकाकार क्या है कि जिसके तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है टर्मिनेट होता है तो आप कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड नो पार्टी हैज़ अ बार ऑन इट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई उसे ये थ्रेट नहीं होता कि कोर्ट की तरफ से उसे कोई प्रोसीडिंग से सामना करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस है, अग्रीमेंट है, सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, लैप्स ऑफ टाइम है, ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं देन आई विल गेट लेट यू नो कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। यानी कि आपने परफॉर्म कर दिया जो आपसे रिक्वायर्ड था जो आपने टास्क परफॉर्म करना था जो आपसे रिक्वायर्ड था अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन यू आर बाउंड टू फुलफिल दैट। आपने वो पूरा कर दिया दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया एंड वैन यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब है कि काम खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो वैन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर प्रोमिसेज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर वन ऑफ द पार्टीज यानी कि मैंने अगर अपना काम पूरा कर दिया तो अगर सिर्फ मैंने ही अपना काम पूरा कर दिया तो आई एम डिस्चार्ज। तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है सर्कमस्टांसेस क्या है क्या आया दूसरी पार्टी भी अपना काम पूरा करती है या नहीं करती है? करती है तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट से अगर नहीं करती तो वो फिर ब्रीच होगी या फिर हम देखेंगे कि क्या उसका सिनेरियो बनता है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहली बात उन्होंने बताई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस ये होती है कि व्हेन बोथ द पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं वो दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज हैं इसमें वॉच आप ले लें आप गाड़ी ले लें कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट आप ले लें या सर्विस जो परफॉर्म करनी हो प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है उसके अगेंस्ट आपने पैसे लेने हैं प्रोडक्ट डिलीवर कर दी गई सर्विस परफॉर्म कर दी गई और उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट रिसीव कर ली गई दैट मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज़ बीन डन। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का केस है। ठीक है, उसके बाद देखें ऑफर टू परफॉर्म। व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म द प्रोमिस बट द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द प्रोमिस। इसका मतलब होता है कि ऑफर टू मैंने ऑफर किया अगले बंदे ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया एंड देन आई एम डन विद इट मैं डिस्चार्ज हूँ। ए एग्रीज टू सेल अ बुक टू बी फॉर ₹500। ए ऑफर्स टू डिलीवर द बुक मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया ए ऑफर्स टू डिलीवर द बुक लेकिन बी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये दिस इज एन ऑफर टू परफॉर्मेंस का केस है ये कि मैंने एक चीज़ कमिट करने की कोशिश की अब अगली तरफ से अगर ऐसे वैसे तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता लेकिन लेट्स सपोज अगर एक ट्रांजेक्शन डिज़ाइन हो चुकी जैसे सेल करने का जो प्रोमिस है बुक वो हो चुका है डिज़ाइन और उसके बाद अगर वो डिलीवर करने का बुक ये उसको ऑफर करता है तो उसको अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तो ये एक सिनेरियो है बेसिकली हम डिस्कस करें। वैसे अगर देखा जाए तो ऑफर के लिए अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन इसमें अगर हम इसको दो पार्ट्स में यूँ डिवाइड करें कि पहले प्रॉमिस एक तय पा चुका है कि बुक की का लेन देन होगा और उसके एडिशन में अगर एक इस तरह का कोई सिनेरियो होता है और कोई चीज़ मतलब ऑफर टू परफॉर्म की जाती है और अगले बंदा एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आप अपनी तरफ से
यू आर फ्री फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ऑफर टू परफॉर्मेंस. एक सिनेरियो है जो डिस्कस किया गया है, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस ऐसी कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए, ठीक है. उसके बाद है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट. डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट यानी कि आपने आपस में म्यूचुअली कंसेंसस से अग्री किया, कोई ऐसा मामला तय किया और आपने अपने दोनों पार्टीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे निजात हासिल कर ली, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनोवेशन, इसको लॉ भी मानता है. सबसे पहली चीज़ इनोवेशन है. इनोवेशन ये कहती है कि अगर एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट कोई नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस कर दे तो पुराने और पुराने की जरूरत ना रहे तो इसका मतलब है कि पुराना खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ विजिटिंग टीचर एरिड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ और मैं एज एन विजिटिंग टीचर एम्प्लॉय हूँ एरिड यूनिवर्सिटी की. अगर एरिड यूनिवर्सिटी या मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ एरिड यूनिवर्सिटी की, अगर एरिड यूनिवर्सिटी मुझे परमानेंट एम्प्लॉय हायर करती है तो मेरा जो विजिटिंग वाला या कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले तय किया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह ये नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा. तो इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि इनोवेशन है, ठीक है. लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, मैं और यूनिवर्सिटी यानी कि, वो एग्री हों. अब जैसे ये दो, इसमें एग्जांपल दी हुई है, दो पार्टीज़ हैं, ए जो है वो उसका रहा है, उसने कोई पैसे देने हैं बी के, बी ने पैसे देने हैं सी के. पार्टीज़ आपस में डिसाइड करती हैं कि ए डायरेक्टली वो उतने पैसे सी को दे दे, तो इसका मतलब है कि ठीक है, ये एक्सेप्टेबल इनोवेशन है ये. तो जो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था और बी और सी का था, बी बीच में से निकल जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, इसका मतलब ये बात है. फिर है ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन का मतलब है कोई चेंज करना. किसी एक टर्म्स एंड कंडीशन में कर सकते हैं या एक से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस बाय अग्रीमेंट है ना, तो अग्रीमेंट से बना दिया है कि म्यूचुअल कंसेंसस पार्टीज का मौजूद है. तो जब ऑल्टरेशन होती है तो जो पहली वाली जो कंडीशंस थी जो कि अब चेंज हो गए, नहीं बन गई, तो पहली वाली से सब डिस्चार्ज हो जाते हैं और नई वाली जो कंडीशन बनी है उस पर सब बाउंड हो जाते हैं, वो बाइंडिंग होती है सब पार्टीज पे, उन्होंने उसको पूरा करना होता है. In case of alteration, the parties remain the same and only the terms of the contract are changed. ऐसा नहीं होता कि parties ही change हो जाए, नहीं, parties same रहती हैं. Terms and conditions में अगर alteration या change हो तो हो सकती है, वो भी parties जब mutually agree हों, वो consensus से ये चीज़ decide करें. इसकी मिसाल अगर आप देखें, दो parties हैं, अगर ये date decide हुई है 1 February को delivery करनी है product की, और बाद में दोनों parties decide करें नहीं 1 February को नहीं करनी, 1 March को कर लेते हैं, तो ये इट्स एक्सेप्टेबल, ये ऑल्टरेशन है. तो पहले वाली जो डेट थी जिस पे वो देवर बाउंड, तो वो डिस्चार्ज हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो टर्मिनेट हो गई, अब नई कंडीशन जो है वो लागू होंगी. तो ये दूसरा पॉइंट था. रिसीजन का मतलब है, रिसेंट से निकला है ये लफ्ज़. रिसेंट का मतलब होता है कैंसिल करना. इसका मतलब ये होता है कि अगर सारी की सारी पार्टीज़ बहमी रजामंदी से अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती हैं तो सारी पार्टीज़ जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं of performing that contract, उनकी जो responsibility है वो खत्म हो जाती है, contract खत्म हो जाता है, ठीक है. The cancellation of contract releases the parties from its obligations. Obviously जब cancel ही हो गया, mutual agreement से cancel किया है, तो फिर हर party की obligation खत्म हो गई. अब किसी party को ये डर नहीं है कि कोई उसके against जाके court में मुकदमा दायर कर देगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल देखो, दो पार्टीज़ ने एक ट्रांजेक्शन डिज़ाइन की कि फलानी डेट को सर्टन गुड्स जो है आपको डिलीवर की जाएंगी, लेकिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले दोनों ने मिल के ये तय किया कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट हो गया. रिसीजन है, ये डिस्चार्ज हो गई दोनों पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो रिसीजन ये केस. फिर एक केस है रिमिशन. रिमिशन का ये मतलब होता है कि आपने जो कंसिडरेशन है, लेस कंसिडरेशन आप एक्सेप्ट करें, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी उससे कम कंसिडरेशन आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 5,000 रुपये कर्ज़ा देना था और मैं आपसे कहती हूँ 2,000, या आपने मुझे देना था, आप यू ओड मी 5,000 रुपीज़ एंड आई टोल्ड यू कि आप 2,000 रुपये दे दें, वही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे उस और कोई आपसे चीज़ नहीं चाहिए. तो अगर 5,000 लिखा था, मैं 2,000 लेके क्लेम सेटल कर देती हूँ, तो इसका मतलब है क्लेम सेटल हो गया है, ठीक है. तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर कंसिडरेशन है. या अगर मैंने किसी का कर्ज देना है और वो मुझसे कहता है कि तुम्हें 5,000 रुपये देने, तो मुझे 10 दिन में दे दो तो 2,000 रुपये दे दो, तो आई विल सेटल दिस ट्रांजेक्शन, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. तो रिमिशन के केस में भी दोनों पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज वेवर. वेवर का ये मतलब होता है कि आप इंटेंशनली कुछ अपना राइट छोड़ देते हैं दूसरे बंदे के लिए, जिस जो जो आपके जिसके आप इंटाइटल होते हैं, यानी कि जो आप अपना राइट जिसके जो आपको मिलना होता है, आप उसमें से कुछ इंटेंशनली कुछ गिव अप कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको, आप एक प्रोडक्ट है, आपको रिसीवेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टॉक दिया एज अ होलसेलर और आपने उसके क्रेडिट पे दिया मैंने आपको,
और मैंने आपसे कहा कि अगर आप 20 दिन में मुझे पैसे वापस कर देते हैं मेरे मतलब क्रेडिट पे जो आपने चीज़ परचेज की उसका मुझे पैसे दे देते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट, ये अकाउंटिंग में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़, तो ये वेवर है बेसिकली, ये डिस्काउंट है। तो आप यानी कि मेरा राइट था कि मैं फुल पेमेंट रिसीव करूँ, लेकिन मैंने आपको एक इंटेंशनली मैंने ये 20% का डिस्काउंट दिया कि आप अगर इतने दिन में मुझे पैसे दे देंगे तो फिर आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मैंने इंटेंशनली अपना जो है राइट गिव अप किया, तो ये इसको बोलते हैं वेवर। और अगर मैं ऐसा करूँगी और दूसरी पार्टी ने उसे अवेल कर लिया तो दैट मीन्स कि वो परफॉर्मेंस हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, डिस्चार्ज दोनों पार्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुबारा होगी। ठीक है, तो ए प्रोमिसेज टू सप्लाई राइट्स टू बी लेटर बी रिलीज ए फ्रॉम द फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो उसने फुल फ्लेज उसको रिलीज कर दिया कि तुम ना दो मुझे तो सप्लाई ऑफ राइट्स, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज रिलीज कर दिया ना, वेवर दे दिया उसने। फिर है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी। डिस्चार्ज, अब देखो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसा काम था या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन थी जो आज लीगल थी लेकिन फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली इन फ्यूचर इन द कमिंग टाइम वो इलीगल हो गई, या कोई ऐसा इवेंट था जो इम्पॉसिबल हो गया इन द कमिंग टाइम्स। अब वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जिस घोड़े की मैंने ट्रांजेक्शन की थी वो घोड़ा ही फौत हो गया, या जिस पेंटिंग की मैंने या जिस घर की मैंने ट्रांजेक्शन की थी या जिस स्टॉक की मैंने ट्रांजेक्शन की थी वहाँ वेयर हाउस में आग लग गई वो अब डिलीवर करना पॉसिबल ही ना, या मैंने जिस सब्जेक्ट मैटर की ट्रांजेक्शन की थी वो इलीगल हो गया बाद में, तो दैट इज ऑल्सो, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो दोनों पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज रहती हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। वेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू सब्सिक्वेंट डिफरेंट रीजंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। देखो ये बहुत की वर्ड है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया। इससे सबसे पहली चीज़ है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो मैंने आपको बताई कि जैसे आग लग जाना स्टॉक में वेयर हाउस में मकान को या जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो तबाह हो गया, हादसा हो गया गाड़ी का जो हमने बेचनी थी, और इसमें फॉल्ट प्रोमिसर का नहीं है या प्रोमिसी का नहीं है, तो दोनों पार्टी जो है वो डिसाइड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली याद रखने वाली है कि इन जो भी नुकसान हो रहा है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई मतलब हल नहीं है दोनों पार्टीज में से किसी का भी, क्योंकि अगर जो डिस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट मैटर की इफ इट इज कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, इसका मतलब है कि वो फिर मॉनेटरी कंपनसेशन देगा, डैमेजेस पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल सी लेंट हिज हॉल टू टी फॉर कॉन्सर्ट्स, या शादी हॉल किसी ने दिया शादी के लिए, द हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर बिफोर द फर्स्ट कॉन्सर्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी कब मुझे डैमेजेस दे बिकॉज वो तो फायर लगी है वो दोनों के कंट्रोल से बाहर थी और नहीं पता था। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, व्हेन सम सर्कमस्टांसेस अराइज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज अ रिजल्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है, पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। अच्छा, अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू हायर अ रूम एट अ होटल टू अटेंड अ सेमिनार, अब वो सेमिनार ही पोस्टपोन अगर हो जाए तो फिर वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, फिर तो अब ज़बरदस्ती तो नहीं है ना कि जिस सेमिनार के लिए जाना था वो सेमिनार ही पोस्टपोन हो गया फिर भी आप जाके उस होटल में रहें क्योंकि आपने वो बुक किया था, तो ये बात है। उसके बाद डेथ और इन पर्सन और पर्सनल इनकैपेसिटी, ये अगर इस किस्म का कोई सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया और अगर डेथ हो जाती है मेरी या कोई पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है या कुछ इस किस्म की सिनेरियो कोई डिजीज़ हो जाती है कोई मेंटल इलनेस हो जाती है तो ये मैं वो अपना काम परफॉर्म ही नहीं कर सकती, तो फिर इस केस में भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो ब्रीच नहीं होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे दो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैरी ईच अदर, अब एक उनमें से मर जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। चेंज इन द लॉ इज अ कंडीशन, अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम अनलॉफुल ड्यू टू द चेंज इन लॉ, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप इंडिया के साथ करें थे वो अभी अलाउड है लेकिन बाद में जंग का हुआ या टर्म्स जो है या रिलेशन खराब हुए इंडिया के साथ तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कैन हैपन। जैसे देखो वीट की एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज इंडिया में अभी पाकिस्तान में तो सेल कर रहा है लेकिन जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सेल ऑफ वीट खुद बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है दो कंट्रीज के बीच में, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस बाद में वॉर स्टार्ट हो गई तो वो जो है सस्पेंडेड रहेगा ड्यूरिंग द वॉर। हाँ, बाद में अगर चाहें तो दोनों पार्टीज उसको रिस्टोर कर सकती हैं लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम वो जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि एक मुदत दी गई है अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट, जिसने पहले भी शायद ये बात की थी कि एक अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1908 मुख्तलिफ लिमिट्स बताई गई हैं कि अगर कोई केस लेट्स सपोज अगर
डेट का केस है तो उसकी 3 साल मुद्दत है, 3 साल के अंदर अंदर अगर आपके साथ कोई सिस्टम का मिसहैप होता है तो यू हैव टू गो बैक टू द कोर्ट। कहते हैं इक्विटी का प्रिंसिपल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपने डिले किया जस्टिस सी करने में फिर आपको जस्टिस नहीं मिलता। तो ये बात है कि 3 साल के अंदर अगर डेट का इसके सिनेरियो में अगर आप कोर्ट के पास नहीं जाते हैं केस लेके कि मेरे साथ ये धोखा हो गया है या मुझे जस्टिस चाहिए इंसाफ चाहिए, तो फिर अगर 3 साल के बाद आप जाएंगे तो टाइम बार्ड करके कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा उसे आपकी जो दरख्वास्त आप दायर करेंगे। ठीक है, तो ये बात है लीगल एक्शन लेना विद इन टाइम इज कंपल्सरी। तो यही बात इसमें इन्होंने की हुई है कि द लिमिटेशन एक्ट 1908 स्टेट्स दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीगल एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं किया गया, अच्छा ठीक है नहीं किया गया, लीगल एक्शन भी नहीं लिया गया विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो जो है वो डिबार्ड है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके उस स्पेसिफिक टाइम में एक्शन नहीं लिया, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम के बाद जाएंगे कोर्ट के पास तो कोर्ट आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेगी, वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। लिमिटेशन पीरियड टू रिकवर डेट इज 3 ईयर्स, ठीक है याद है। ये इसकी एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है कि दो पार्टीज ने एक को करता है बी को 5,000 रुपये उसने नहीं दिए, उसको डिफॉल्ट कर गया, अच्छा उसने नहीं पेमेंट की, अब वो चाहे तो जा सकते लास्ट डेट ऑफ रीपेमेंट जो थी उससे लेकर अगले 3 साल तक अगर तो वो जब चला जाता है कोर्ट के पास लीगल एक्शन ले लेता है वेल एंड गुड, उसको रेमेडी मिल जाएगी, अगर नहीं लेता तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। फिर देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि अगर इस किस्म के कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व होता है, कहाँ कोर्ट इन्वॉल्व होगा, लेट्स सपोज सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है कि मेरे पास मेरे क्रेडिटर्स को देने के लिए कोई पैसे नहीं है। अब क्या होता है कि वो ऐसे बंदा जो है कोर्ट में जाके ये अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है तो फिर कोर्ट क्या करता है उसकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो ट्रांसफर हो जाती है ऑफिशियल रिसीवर को। ऑफिशियल रिसीवर वो बंदा होता है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ होता है, कोर्ट के ऑर्डर पर वो जो बंदा अपॉइंट होता है वो फिर बाकी चीज़ों मामला को हैंडल करता है। अब जब वो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो गया तो फिर जो बंदा जिसने बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज बिकॉज उसकी फिर ऑफिशियल रिसीवर सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। ठीक है, वो देखेगा वो सारी उसकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ऑक्शन होगी, जो प्रोसीड्स मिलेंगी उससे क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई किया जाएगा और जो बाकी मामला जो है उसके देखे जाएंगे। मर्जर, जब दो पार्टीज का मर्जर होता है एक व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग इनफीरियर राइट्स फॉर द पार्टी मर्जेस इनटू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग सुपीरियर राइट्स द फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। मतलब ये है कि जब दो पार्टीज का मर्जर होता है, एक कंपनी है वो ऑब्वियसली मर्जर तभी होता है ना जब एक बार जो है वो एक पार्टी है उसको मर्ज होगी, तो जब मर्ज होता है ना दो कंपनीज मर्ज होती हैं तो एक फॉर एग्जांपल सोनी और एरिक्सन जब मर्ज होंगे तो या जैसे लेट्स सपोज एनआईबी और पिकिक की एग्जांपल दें, जब एनआईबी और पिकिक का मर्जर हुआ तो एनआईबी जो है वो ने टेक ओवर किया था, मतलब वो एक हॉस्टाइल टेक ओवर था, वो एक उसमें एक्विजिशन थी। मर्जर में जैसे सोनी और एरिक्सन है इनका मर्जर है तो सोनी एंड एरिक्सन ये एक कंपनी के तौर पर उभरेंगे। तो जब वो इसमें बताया गया है कि जब दो जॉब्स हैं या दो जैसे मिसाल मैंने आपको दी थी विजिटिंग लेक्चरर की, तो अगर वो मर्ज हो गई उस वही जो स्लॉट है वो कन्वर्ट होगी इनटू द परमानेंट स्लॉट, तो उसका जो पहले वाला सिनेरियो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो पहले जो इन्फीरियर राइट्स थे ऑब्वियसली विजिटिंग लेक्चरर की तो इतनी वो नहीं होती, उसकी जो पावर्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं इतनी नहीं होती हैं, वो इतना वो इन्वॉल्व नहीं होता विद इन द मैनेजमेंट या वो यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ में, उसका काम से अपने सब्जेक्ट तक महदूद होता है। तो ये दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो असाइनमेंट्स या टास्क होते हैं उसमें वो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब इन्फीरियर राइट जो है वो कन्वर्ट होते हैं सुपीरियर राइट्स में, कोई भी किस्म का मर्जर हो सकता है, इस मर्जर को आप उस टेक्निकल सेंस में अगर देखें तो दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो में जो मैंने आपको विजिटिंग फैकल्टी की एग्जाम्पल दी या कोई ऐसी एग्जाम्पल जिसमें कोई इन्फीरियर राइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सुपीरियर राइट्स में, तो इस किस्म के सिनेरियो में जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये अपने ओवेशन के केस में भी पड़ गया है। मटीरियल ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि आपने अनऑथोराइज चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में, आपको परमिशन नहीं थी, आपको चेक 300 रुपये का दिया, आपने उसमें 1 0 को तो अपनी मर्जी से लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी मटीरियल ऑल्टरेशन होती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द अदर पार्टी। क्योंकि देखो अब होगा ये कि 300 का चेक जो है वो 3,000 उसमें लिख दिया, अब जब वो जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट में जब वो जाएगा बैंक में तो बैंक में तो वो डिसऑनर होगा, डिसऑनर होने पर तो केस अब फाइल किया जा सकता है जिस पार्टी को ये एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़े कि उसका चेक डिसऑनर हो जाए। तो जब ये चेक कोर्ट में मामला जाएगा तो जिस पार्टी ने लिखा है चेक
उस पर कोई बार नहीं आएगा, वो डिस्चार्ज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने मटेरियल ऑल्टरेशन की है वो फंस जाएगा, वो फिर उधर से इन्वेस्टिगेशन होगी। डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दूसरे चक्कर में पड़ जाएगी सूट ऑफ रिसेशन फाइल करने में और सूट फॉर डैमेजेस और क्वांटम ऑफ मेरिट और इस तरह की जो सारी है उसमें वो इन्वॉल्व होगी। तो द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज और ऑब्लिगेशंस, और अगर एक पार्टी जो है वो फेल होती है टू परफॉर्म हिज और ऑब्लिगेशंस तो इसका मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो एग्री पार्टी हो जाएगी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, उसको जरूरत नहीं होगी कि उसे परफॉर्म करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वो सूट फॉर रिसेशन जरूर फाइल कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में। एक्चुअल ब्रीच का ये मतलब होता है कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो डिसाइड हुई है उस पे पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी अपना कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 1 मार्च को कहा गया कि आपने 5 बैग्स डिलीवर करने आपने नहीं किए, इसका मतलब ये एक्चुअल ब्रीच है। एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच का ये मतलब होता है कि पार्टीज अपनी इंटेंशन पहले ही बता देती हैं कि वो नहीं करेंगी, शायद वो अपना जो वो इंटीमेट कर दें या वो इंटेंशन शो कर दें कि वो ड्यू डेट से पहले परफॉर्म ये क्यों ड्यू डेट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है कि एक जो है दूसरी पार्टी को वीट सप्लाई करेगी 1 जुलाई को, लेकिन 15 जून यानी कुछ 2 हफ्ते पहले ही उसने ए ने बी कन्फर्म कर दिया कि वो नहीं सप्लाई कर सकेगा वीट, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक कि हमने डिस्कस की सारी मैक्सिमम सिचुएशंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे।